हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम देखते हैं हमारा लास्ट एपिसोड फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो हमने न्यूमेरिकल्स कुछ ह्यूमन आई पर पहले भी देखा था, हमने ह्यूमन आई के बाद में अब हमारे बचा है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो मैं आज उसके ही न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप। ठीक है, हम उसके न्यूमेरिकल कवर करेंगे आज। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल आपके लिए। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस आर 1.5 सेंटीमीटर एंड 6.25 सेंटीमीटर्स। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस इज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। दोनों के लेंसेस के हमको फोकल लेंथ दिया कितने, 1.5 और 6.25 सेंटीमीटर्स। तो मतलब आपको क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे आप अगर, तो गिवन डेटा सबसे पहले ले लेंगे हम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आप सीख जाओगे सारे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो हमको यहाँ पर दिया है सबसे पहले माइक्रोस्कोप है कि टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के अंदर में एफ ओ बड़ा होता है या एफ ई बड़ा होता है, तो हमको पता है कि एफ ओ छोटा होगा, एफ ई बड़ा होगा। तो इस हिसाब से एफ ओ की वैल्यू आ गई है 1.25 सेंटी वाला मीटर और एफ ई की वैल्यू आ गई है 6.25, 1.5 है आई थिंक ये, और ये है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा बोला है हमको। फिर ये दिया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से कितने दूर रखा है, ऑब्जेक्टिव से यानी यू ओ बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसको लग जाता है माइनस क्योंकि वो होता है नेगेटिव साइड में, माइनस होता है। और दिया है हमको कि इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस, मतलब वी ई की वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू दिया। अब हमको एक्चुअली ये माइनस होता है, लेकिन मैं यहाँ पे फंडा लिख देता हूँ, हमारे जो फॉर्मूले हैं उसके लिए डू नॉट यूज साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस विथ स्टैंडर्ड फार्मूलेज, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूले कल डिराइव करे थे तो हमने पहले ही कह दिया था उसके अंदर साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहे हैं, तो फिर आप दोबारा क्यों लगाएंगे। एक बार साइन कन्वेंशन लगा दिया ना तो दस बार नहीं लगाते बेटे, देख लो जरा। तो हम क्या करेंगे, डू नॉट यूज साइन कन्वेंशन, मतलब इनको वैल्यूज डायरेक्ट रखना है। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ये निकालना है। इमेज फॉर्म्ड एट डीडीवी वो वाला लेंथ निकालना है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट डीडीवी वाला लेंथ निकालना है। तो आपको याद होगा अगर फॉर्मूला इसका अगर याद होगा तो ये फॉर्मूला था उसका, देखो लेंथ इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई होता है जनरली, लेकिन एल एट डीडीवी का फॉर्मूला था वी ओ के जगह पे था यू ओ एफ ओ अपॉन यू ओ माइनस एफ ओ प्लस यू ई की जगह पे था एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, है ना। ये फॉर्मूला देखो याद हो गया है मेरे को लिख लिख के, तो आपको भी याद हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, एल डी इज इक्वल्स टू यू ओ कितना है यू ओ टू इंटू एफ ओ कितना है एफ ओ अपॉन यू ओ माइनस एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ई कितना है 6.25 इंटू 25 अपॉन 6.25 प्लस 25। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 0.5 यानी कि 1/2, ये 2 ऊपर चलेगा 6 बन जाता है वो, प्लस 6.25 इंटू 25। तो देखो इसकी वैल्यू आती है, ये चला जाएगा ऊपर 3 टू द 6, ये हो जाता है 6 प्लस ये 31 से अगर इसको आप काटते हो तो 31.25 5 बार जाता है। आपको टेबल नहीं आता क्या 31.25 का, 31.25 31 से ऊपर आप डबल जाओगे तो 63.5। ठीक है, ऐसा फिर ऐसा करते करते आप जाओगे तो 5 बार कटेगा ये, तो ये वैल्यू आ जाती है 5 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 एल डी का मतलब देयरफॉर आंसर इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों जो लेंसेस है ना,
जो दो लेंसेस हैं हमारे पास में, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस लेंस, उन दोनों की जो दूरी होती है वो उसको निकालो बोले थे, है ना, ऐसा होता है। बस ये तो निकालने दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर टू, चलिए पढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 2.0 सेंटीमीटर एंड 3.0 सेंटीमीटर। किस किस का है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एफ ओ की वैल्यू कितनी है दी हुई वैल्यू एफ ओ 2 सेंटीमीटर, एफ ई 3 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 15 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेकिन कब बोला है कि इमेज का बन रहे, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट आईपीस एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिख देंगे, एल इन्फिनिटी लिख देना इसको। फिर बोला है कि द टू लेंसेस आर थिन, द डिस्टेंसेस इन सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस आर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि यू ओ भी फाइंड करना है, वी ओ भी फाइंड करना है ना। अरे बोलो बेटा, यही है क्वेश्चन, देख लिया फिर से। चलो फिर करते हैं सॉल्व। सो लूसन, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो। बस जीवन में ही आंसर छुपा है, देखो जरा। एल इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, वी ओ प्लस एफ ई होती है। अरे याद आया, ये फॉर्मूला होता है डीडीवी का और ये फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी का, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। अब आगे चलते हैं, वी ओ की वैल्यू कितनी है वही तो निकालना है, तो निकाल लो ना भाई। अरे वाह 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 वाह, वी ओ इज इक्वल टू एल इन्फिनिटी माइनस एफ ई। एल इन्फिनिटी कितना है 15 सेंटीमीटर, माइनस एफ ई कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अरे वाह जी वाह, एक आंसर तो आ गया। लो जी उमार का भी एक आंसर आ गया। दूसरा यू ओ, अब यू ओ के लिए कहाँ चलोगे, तो अब ऐसे लिख सकते हैं, वी ओ मालूम है, एफ ओ मालूम है, तो ऐसे लिख देंगे, आसान जाने का, ज़्यादा हार्ड पे नहीं जाने का। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू वन अपॉन वी ओ माइनस वन अपॉन यू ओ, है ना। लेंस फॉर्मूला यही है ना, माइनस के साथ है, प्लस फॉर्मूला आता है किसके लिए आता है, प्लस मिरर के लिए आता है, मिरर। तो अपने को इसमें से वी ओ मालूम है, यू ओ निकालने का है, तो यू ओ जाएगा उधर, एफ ओ आएगा इधर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू ओ इक्वल्स, ये एफ ओ आएगा इधर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वी ओ और माइनस वन अपॉन एफ ओ। अब इसमें लगेगी साइन कन्वेंशन, यहां लगेगी साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि तो मैंने कहा कि जो फाइंड करना है उसका साइन नहीं लेना, मतलब यू ओ फाइंड करने का तो इसका साइन नहीं लेंगे। ये रेडीमेड फार्मूला था क्या, ये रेडीमेड फार्मूला है क्या, नहीं है ना, तो फिर साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। ये रेडीमेड फार्मूला था इसलिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना पड़ेगा। थ्री ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना जब स्टैंडर्ड फार्मूला लगाते हैं, और अगर आप ये वाला लेंस का फार्मूला यूज कर रहे हो, ये लेंस का फार्मूला है, तो इसमें साइन कन्वेंशन लगाते हैं। लेकिन फंडा क्या याद रहेगा, फंडा याद रखना है जो फाइंड करना है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना, यूओ फाइंड करने का साइन कन्वेंशन नहीं लेना, वीओ फाइंड करने का उसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो लगा देते हैं इक्वेशन, वीओ की वैल्यू कितनी है, वीओ 12 सेंटीमीटर है, और ये पॉजिटिव रहता है ना 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव होता है भाई, आपको मालूम है ना। ये देखो ये पहला लेंस होता है, ये इधर में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है यू ओ होता है, और यहाँ पे इसकी इमेज बनती है, पहली इमेज है ना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है वी ओ होता है, वी ओ पॉजिटिव है, तो वी ओ पॉजिटिव माइनस माइनस, अरे कहाँ का फॉर्मूला, ये वन अपॉन एफ ओ, एफ ओ 2 सेंटीमीटर, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये आ गया पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव आ गया तो ये आ जाएगा आपका कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं 12, ये तो 12 ही है, तो ये आ जाएगा 1, और ये इसको 12 बनाना है, तो क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर भी कर दो 6 से मल्टीप्लाई, माइनस 6 कितना हो गया, कितना हो गया माइनस 5 बाय 12, ये है 1 अपॉन यू की वैल्यू,
तो यू ओ इज इक्वल टू माइनस 12/5, 12/5 अगर इसको सेंटीमीटर में करना है, क्या सेंटीमीटर में करना पड़े तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में करे तो माइनस 2.4 सेंटीमीटर। ब्लू पेन को ही ज्यादा यूज कर लिया हमने, ठीक समझा। चलो फिर नेक्स्ट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न ये दिया है आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फोकल लेंथ बोल दिया है तो समझ जाना कि एफ ओ ही होगा वो छोटू जो है तो, और एफ ई ही होगा वो बड़ू जो है तो, है ना, बस समझ जाने का। इफ द मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई इज 45, रिलैक्स्ड आई मतलब मैग्नीफाइंग पावर बोला है, एम पी एट इन्फिनिटी बोलते हैं, रिलैक्स आई मतलब इन्फिनिटी वाला ले लेने का, इज इक्वल टू 45 दिया है, ठीक है 45 दिया है, ये वैल्यू है मैग्नीफाइंग पावर की। और हमको बोला है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, मतलब एल इन्फिनिटी का होगा भाई, ये निकालना है। अब इसके लिए जो एक फॉर्मूला यूज होता है ना, वो फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक ओपन सीक्रेट है, इसको हमने छुपा कर रखा था। क्यों छुपा के रखा था, हमको खुद नहीं पता। मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एल इन्फिनिटी माइनस फो माइनस फी इंटू डी अपॉन एफ ओ इंटू एफ ई, ठीक है फो फी। अब देखो जरा इसको इधर लेके जाओ, एम पी इन्फिनिटी वाला मल्टीप्लाई बाय एफ ओ मल्टीप्लाई बाय एफ ई डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल्स एल इन्फिनिटी माइनस एफ ओ माइनस एफ ई। चलो ये फॉर्मूला है अपना, इस फॉर्मूले में चलो वैल्यूज पुट अप द वैल्यूज, एम पी 45 इंटू एफ ओ एफ ओ, क्या मसला है, डी की वैल्यू 25 होती है याद रख लेने का, एल इन्फिनिटी तो फाइंड करना है यही नहीं मालूम है, एफ ओ की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर माइनस एफ ई की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका ये चले गया ये 5 से, ये हो गया ये 5 से चले गया ये 9 टाइम्स, ठीक है तो दिस विल बिकम 9, और ये कितना हो जाएगा -1 -5 बोले तो -6, ये इधर आ जाएगा और इधर आके प्लस हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू एल इन्फिनिटी। सो आंसर इज एल इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 15 सेंटी वाला मीटर, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखने का आज के बाद, अगर कुछ नहीं दिया हो तो ये इससे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर 1.2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। माइक्रोस्कोप है और फोकल लेंथ है 1.2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये एफ और एफ ई की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। फिर हमको दिया है ऑब्जेक्ट इज पुट एट 1.25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, यू ओ की वैल्यू दे दिया है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है ये वैल्यू है, एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है अगर फाइनल इमेज फॉर्म्ड है इन्फिनिटी पर, एम पी एट इन्फिनिटी का केस है, ठीक है ना, एम पी एट इन्फिनिटी का केस। अब अपन बोलेंगे कि एम पी एट इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जरा अपने पास में फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एम पी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो जरा, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, तो वी ओ अपॉन यू ओ की जगह पे कौन आता है, एफ ओ अपॉन यू ओ माइनस एफ ओ, है ना, और इन्फिनिटी का केस है इसीलिए यहां पे क्या आएगा सिर्फ डी बाय एफ ई,
है ना, इन्फिनिटी का केस है। और अगर डी डी वी का केस होता तो यहाँ पे आता था 1+D/FV, ऐसे आता था। चलो फिर इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करते हैं हमारी। वैल्यूज क्या क्या दिया है देखो, एफ ओ की वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय यू ओ इज 1.25 माइनस 1.2, ठीक है ना, ये हो गया आपका वैल्यू पूरा। और डी कितना है, कैपिटल डी होता है 25 सेंटीमीटर और एफ ई की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। बस आपको और बाकी सारे चीज़ों की साइन कन्वेंशन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू ओ की देखो मैंने साइन कन्वेंशन को यूज़ नहीं किया, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 1.2 डिवाइड बाय 1.25 माइनस 1.2, कितना बचेगा 0.05 बचेगा, है ना, और इनटू आएगा 25/3, ऐसे आ जाएगा। अब अगर आपने इसके डेसिमल को शिफ्ट कर दिया तो ये वैल्यू होने वाली है 120/5 × 25, और ये 3, ये 3 से चले गया, ये आ गया 4, ये 5 से चले गया, आ गया 5, तो ये हो जाएगा 40 × 5 दैट इज़ 200। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका MP@∞=200, ठीक है ना, क्या वैल्यू बराबर है हमारी, यस वी हैव करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 degree एट द आई व्हेन सीन थ्रू टेलीस्कोप। आप टेलीस्कोप से देख रहे हो और आंखों पर उसने बनाया है 2 degree का एंगल, तो ये होता है अल्फा एंगल, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ अपने को दिया 60 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ दिया अपने को 5 सेंटीमीटर। अब ये है टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के अंदर जो बड़ा फोकल लेंथ होता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए होता है और छोटा फोकल लेंथ जो होता है आई पीस के लिए होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप का अपोजिट होता है, ठीक है। देन ऐसा बोला है हमको कि एंगल सबटेंड बाय द इमेज एट द आई पीस विल बी, यानी कि बीटा क्या होगा, ठीक है। आपको ये टेलीस्कोप का याद आ रहा होगा डायग्राम, ठीक है, टेलीस्कोप का डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया था, और अल्फा और बीटा एंगल कौन से होते हैं, तो अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट बनाता है और बीटा एंगल इमेज बनाती है फाइनल आई के ऊपर में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं साइड और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज। हमारे पास में दिया है एफ ओ 60 सेंटीमीटर, एफ ई 5 सेंटीमीटर, बीटा नहीं अल्फा दिया है, अल्फा है 2 degree और बीटा की वैल्यू पूछा है ना, बीटा की वैल्यू पूछा है। चलो फिर इक्वेशन लगाते हैं, क्या होगी इक्वेशन हमारे पास में है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होगा एम पी इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, ये भी है, और एम पी एट इन्फिनिटी का फॉर्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई, ये भी है ना, माइनस है, वो माइनस है, मैं नहीं लगाऊंगा उसको क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नेटिक का, हमको मैग्नीट्यूड का काम है। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर में, तो इसमें से ले लेते हैं वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू अल्फा, एफ ओ की वैल्यू है 60/5 × α/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24 degree, बीटा इज इक्वल्स टू 24 degree एंगल, ठीक है, समझ में आई बात, आसान है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ मून इज 3.5 × 10⁻³ किलोमीटर्स। डायमीटर ऑफ मून कैपिटल डी ले लूँ क्या इसको, ठीक है ले लो, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 3.5 × 10³ किलोमीटर ना, ठीक है, ये हो गई वैल्यू ऑफ डायमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 × 10⁵ किलोमीटर्स। डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ले लेते हैं एस, 3.8 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, किलोमीटर में वैल्यू दिया है। इफ इट इज सीन थ्रू अ टेलीस्कोप हुज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर 4 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 4 मीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर बोलते हैं ना इसको, और एफ ई की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू है हमको दी हुई। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द मून ऑन द आई विल अप्रोक्सीमेटली बी, एंगल सबटेंडेड बाय मून एट द आई, बीटा निकालना है। इसका डायग्राम सोच लेते हैं थोड़ा सा, डायग्राम एक्चुअली होगा कैसे इसका, इसका डायग्राम होना चाहिए यहां पर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है ना, यहां पे ये मून का डायमीटर ले लेते हैं इसको, ठीक है, और ये डिस्टेंस एस ले लेते हैं यहां तक, ऐसे ये मून है हमारा,
ठीक है, दिस इज मून, यहाँ से एक रे ऐसा आती है और वो रे ने यहाँ पर इमेज बनाया होगा, तो ये एंगल होता है अल्फ़ा, है ना, ये एंगल अल्फ़ा बनता है, तो अल्फ़ा एंगल आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब ये वाला जो है ये हमारे सामने एक आईपीस लेंस होता है, ठीक है, आईपीस लेंस होता है, ये जाएगा आपके आईपीस में से ऐसे और यहाँ पर कहीं तो इसका इमेज बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा, ये फाइनल इमेज ऐसा कहीं तो भी होगा उसका, ठीक है। तो एक रफ स्केच हमको ये समझ में आ रहा है और ये एंगल बीटा की हमसे बात किया है, ये बीटा एंगल हमको पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने अल्फ़ा पता कर लिया तो बीटा पता करना भी हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो अल्फ़ा पता करते हैं पहले, तो मैं अल्फ़ा के लिए ऐसे लिखता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट डी बाय एस। तो डी की वैल्यू कितनी है, 3.5 इंटू 10^3 अपॉन, नीचे आ जाएगा 3.8 इंटू 10^5, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आती है 35 अपॉन 38 इंटू 10^-2 रेडियन। ठीक है, मुझे सॉल्व नहीं करना है, आगे मैं देखता हूँ आगे क्या हो सकता है बोल के, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे छोड़ दिया अपन ने इसको, इक्वेशन नंबर वन नाम दे दो। अब अपन चलते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी वाला केस है, तो एम पी एट इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा अपॉन अल्फा, ये जो जनरल फार्मूला हुआ, और होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, है ना, ये होता है। अब मेरे को निकालना क्या है, निकालना है बीटा, तो चलो बीटा को निकालते हैं फिर, तो बीटा इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो एफ ओ की वैल्यू कितनी है, एफ ओ की वैल्यू है 400 सेंटीमीटर। दोनों भी सेम वैल्यू रख दो, या तो ये मीटर में, ये भी मीटर में लो, या फिर ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में लो, तो नीचे आ जाएगा एफ ई की वैल्यू 10 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 35 इंटू 35 अपॉन 38, है ना, तो ये आ जाएगा अपना 35 अपॉन 38 10^-2, और ये है रेडियन, रेडियन रेडियन टू डिग्री करो, तो अल्फा की वैल्यू डिग्री में कैसी आएगी, 35 अपॉन 38 इंटू 10^-2 इंटू, डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई, है ना, ये आता है डिग्री में, ये आता है डिग्री में, तो इसके आगे क्या लग जाएगा फिर, 180 अपॉन पाई लग जाएगा। अब ये है हमारे पास में सॉल्यूशन करना, तो ये हो जाएगा आपके पास में 40, ठीक है, और 40 इंटू 35 अपॉन 38 इंटू पाई इंटू 180, कोई बचा है, हाँ 10^-2 बचा है, दिस इज बीटा, तो बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 डिग्री, डिग्री में वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ रिलैक्स्ड फार साइटेड आई हुज नियर पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि एक सिंगल लेंस है, उसका जो मैग्नीफाई पावर है एमपी है वो 5x है, मतलब 5 है, 5x मतलब 5 लेना उसको, ठीक है, 5x को 5 लेना पड़ता है। रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई मतलब 25 सेंटीमीटर उसका क्या होता है, 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनी होगी, 25 सेंटीमीटर डीडीवी, लेकिन एक ऐसे बंदे के लिए जिसका डीडीवी शिफ्टेड है उसके लिए हमको वैल्यू निकालो बोला। तो चलिए क्वेश्चन को साइड करते हैं, डेटा क्या लिखते हैं कि आपको दिया है पहला जो डीडीवी होता है वो कितना रहता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और हमको बोला है कि एमपी की वैल्यू कितनी है, एमपी की वैल्यू है, मैग्नीफाइंग पावर है इसका 5, ठीक है ना, 5x मतलब 5 होता है, तो एमपी 5 है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो है शिफ्टेड आई का नियर पॉइंट कितना है, 40 सेंटीमीटर, ये 25 था, अब ये 40 हो जाएगा, डी डैश, तो एम डैश क्या होगा, एमपी डैश क्या होगा, ऐसा पूछा है, क्या होगा मैग्नीफिकेशन पावर अगर अगर एक ऐसा बंदा उसको देखता है जिसका जिसका डीडीवी ही शिफ्टेड है। तो चलो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इस ऐसा लिखे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर उसका होता है डी बाय एफ, है ना, डी बाय एफ होता है मैग्नीफाइंग पावर, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एफ निकाल लेंगे पहले, तो एफ इज इक्वल टू डी बाय एम, डी की वैल्यू है 25 और एम की वैल्यू है 5, आंसर आया 5, तो 5 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ। अब आपको निकालना है एम डैश, इट इज इक्वल टू आ जाएगा डी डैश अपॉन एफ, एफ तो चेंज नहीं होगा ना, एफ तो लेंथ तो वही है ना भाई, लेंथ वही है, सिर्फ बंदे का डी डैश जो है वो हटा हुआ थोड़ा सा, तो अपने तो बोलेंगे डी डैश की वैल्यू कितनी होगी, 40 और ये आ जाएगा 5, तो एम पी कितना हो गया उसका, हटे हुए की एम पी कितना है, 8x, देखिए।
So the next question is, the focal length of objective and eyepiece of a microscope are 2 cm and 5 cm respectively. Focal length of objective, 2 cm, eyepiece, 5 cm. आपको पता चल जाना चाहिए माइक्रोस्कोप है टेलीस्कोप है. जैसे ही माइक्रोस्कोप का नाम सुने एफओ छोटा कर देना और टेलीस्कोप का नाम सुने एफओ को बड़ा लिख देना. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर. लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव व्हेन द फाइनल इमेज सीन बाय द आई एट 25 सेंटीमीटर. मतलब ये डीडीबी वाला केस है और हमको बोला है कि जो वीई है वो 25 सेंटीमीटर पे बनेगा. मतलब ये आईपीस जो होता है आईपीस से बनने वाली इमेज कहाँ है? 25 सेंटीमीटर. ये फाइनल इमेज है हमारी. ठीक है. और ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर. तो मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड करना है. चलो देखते हैं क्या क्या करना है. तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो दिया गया है. एल डी दिया है तो एल डी का फॉर्मूला लिखो पहले. तो एल डी का फॉर्मूला होता है वी ओ प्लस यूई, है ना. यही फॉर्मूला जनरली तो यही होता है ना. इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं हम. तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं? देखो हमारे पास इसमें से कौन सी चीज है ये भी नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है. एक्चुअली अपने को निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर में? क्या क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए? हमको बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी यू ओ फाइंड करना है. यू ओ है ना, यू ओ फाइंड करना है. यू ओ फाइंड करने का एक तरीका ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं, वी ओ निकाल सकते हैं. वी ओ मिल गया तो एफ ओ के वाले फॉर्मूले में, लेंस के फॉर्मूले में डाल के यू ओ निकाल लेंगे. ठीक है. तो वैसे ही पहले यू ई निकाल सकते हैं. यू ई कैसे निकलेगा? देखो वी ई और एफ ई है. जब भी हमारे पास अगर ये दो चीज़ें हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर फॉर आई लेंस वन अपॉन एफ ई इक्वल्स वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई, है ना. बात सही है. चलो ये दोनों तो अपने को पता है तो ये निकालना आसान है. फिर 1 अपॉन यू ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन एफ ई. ये इधर आ गया, ये इधर आ गया. अब लेकिन साइन कन्वेंशन तो लगाना पड़ता है. साइन कन्वेंशन लगा लो. 1 अपॉन वी ई, वी ई के क्या होगा? माइनस की तरफ होता है. देखो फाइनल इमेज कहाँ बनती है? फाइनल इमेज पी क्यू. याद आई कि आपको नीचे बन रही थी इमेज, दोनों लेंस के बीच में नीचे बनती है, मतलब आई पीस के लेफ्ट में होती है ना. तो इसको माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 25. माइनस एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ई की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. तो इसको 5 लेते हैं ओनली. ठीक है, क्योंकि ये एफ ई जो है ये पॉजिटिव होता है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5. आपने दोनों माइनस में, माइनस 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 5. ठीक है, ऐसे ही. तो क्या बन जाएगी वैल्यू? माइनस ये आ जाएगा 1 ऊपर में. इसको 25 बनाने के लिए 5 चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 अपॉन नीचे 25 कॉमन में. ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 6 अपॉन 25. तो यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आई है? यू ई इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल ले लो ना, ये 1 अपॉन यू ई था, रेसिप्रोकल ले लो, माइनस 25 बाय 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये यू ई की वैल्यू आ चुकी है. चलो फिर, यू ई की वैल्यू आ चुकी है, वेरी गुड. अगर यू ई की वैल्यू आ चुकी है, एल डी में से यू ई को माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा? वी ओ. अब यहाँ पे इन मैग्नीट्यूड लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है. क्यों? क्योंकि देखो एक लेंस यहाँ पे होता है और दूसरा लेंस यहाँ पे होता है, समझो. ठीक है, तो दोनों की दूरी यहाँ पे, ये कौन है? ये यू ई और ये कौन है? वी ओ, है ना. ऐसे ही होता है. ये पूरे को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं. अरे है कि नहीं बात सही? ऐसा बोलते हैं, यू ई प्लस वी ओ, ये है वो. तो हमको इसमें से क्या निकालना है? वी ओ निकालना है. तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर वी ओ इज इक्वल टू, वी ओ इज इक्वल टू, ये इधर आके एल डी में से माइनस हो जाएगा, एल डी माइनस यू ई. ठीक है, और यू ई की वैल्यू आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड में रखनी है. तो मैं इसको मैग्नीट्यूड कर दूँ क्या? लो आसान है, मैग्नीट्यूड. तो ये एल डी की वैल्यू कितनी है? एल डी है 20 सेंटीमीटर माइनस यू ई. यू ई की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, ये डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड लो, 25 बाय 6. ठीक है, ऐसा हो गया. तो कितना हो जाएगा? 6, 120 माइनस 25, 95 बाय 6, ये हो गया वी ओ, 95 बाय 6 सेंटीमीटर. ये वी ओ मिल गया. ठीक है, 95 बाय 6 करना है तो कर लो कैलकुलेशन, अगर लिखना है तो लिख दो आगे, नहीं लिखना है मेरे को आगे.
वीओ मिल गया मेरे को, वीओ मिल गया, एफओ है मेरे पास, तो मेरे को यूओ भी मिल जाता है. देयरफॉर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस पर चलो जरा. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं ना, वन अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू वन अपॉन वी ओ माइनस वन अपॉन यू ओ. अपने को ये निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन अपॉन यू ओ इज इक्वल टू वन अपॉन वी ओ माइनस वन अपॉन एफ ओ हो जाएगा फॉर्मूला. चलो अगर ये फॉर्मूला हो चुका है तो वैल्यूज पुट करो. वन अपॉन यू ओ इक्वल्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी ओ. वी ओ की वैल्यू क्या होगी, वी ओ पॉजिटिव रहता है ना जैसे कि वैसे रखो उसको, तो ये आ जाएगा वन अपॉन 95/6, 95/6 माइनस वन अपॉन एफ ओ 1/2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा आपका 6/95 - 1/2 वन अपॉन यू ओ की वैल्यू है. तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 12 - 95 / 95 × 2 190 ना, ये 1/ यू ओ की वैल्यू है, तो यू ओ विल बी इक्वल टू 190/83 दैट इज इक्वल टू 2.28 - 2.28 centimeter UO की वैल्यू माइनस में आएगा 2.289 मतलब 2.23 आप ऐसा बोल सकते हो. कुछ तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.3 अप्रॉक्सीमेटली, 89 है ना ये, तो यहाँ पे बन जाएगा 9, तो 2.29 भी ले सकते हो आप. ठीक है, बात समझ में आई, इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन इजी अगर नहीं है तो समझो जरा बात को, क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, जो दिया सो लेना, जो दिया वो लेना और कैलकुलेशन करना. फिर मैग्नीट्यूड में वैल्यू है हमारे पास में, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला इसका था, इसको हमने यूज़ किया. पहले यहाँ से हमने यू ई निकाला क्योंकि हमारे पास में एफ ई मालूम था और वी ई मालूम था, तो इसमें से हमने यू ई निकाला, वैल्यूज पुट किया और सॉल्व किया. ठीक है, देख लो इसको एक बार ध्यान से. द नेक्स्ट, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. टेलीस्कोप है ना ऑब्वियसली, तो यह आ जाएगा 50 सेंटीमीटर और आईपीस इज 5 सेंटीमीटर. वाह वाह वाह. और द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. कोई देने की बात है ये, बचपन से मालूम अपने को है ना. अब इफ द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑन अ स्केल 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. अब ये क्या है, ये है आपका यू ओ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, यू ओ की वैल्यू है. ठीक है, स्केल रखी हुई है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पे रखा हुआ. कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस एंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड. ओहो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड और एल ऐसा है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, हमको बोला है ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिया और टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन. फॉर डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है जो एमपी बनेगा वो डीडीवी वाला है, एमपी जो बनेगा वो क्या है, डीडीवी वाला है. तो चलो फिर डीडी वाला देखते हैं इसको. सो लूशन क्या आएगा, क्या क्या है देख लो जरा. यू ओ है, एफ ओ है, तो यहां से क्या मिल जाता, वी ओ मिल जाता. वेरी गुड, पहले ओ ओ वाले दो चीजें है अगर तो तीसरी निकाल लेना. तो क्या बोलेंगे हम, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, वही साफ जी हमारे पास में फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस कुछ तो भी है, ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्मूला है, 1/FO = 1/VO - 1/UO. क्या क्या है, एफ ओ है और यू ओ है, तो वी ओ मिल जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 1/VO = 1/FO + 1/UO. साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है, ये साइन कन्वेंशन के साथ नहीं होता है, ये जनरल फॉर्मूला है, तो साइन कन्वेंशन यहाँ माइनस आता है, तो इसके अंदर लगा देते हैं. तो 1/VO = 1/FO की वैल्यू है 50 और यहाँ पे आ जाएगा ये फॉर्मूले को मैंने प्लस कैसे लिख दिया, माइनस होता है ना बेटे, ये माइनस है ये. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, शिफ्ट हुआ ना, 1/VO = 1/FO और ये यू ओ उधर जाके प्लस हो गया. तो 1/ और नीचे आ जाएगा यू ओ की वैल्यू कितनी है, यू -200 हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, हो जाएगी वैल्यू 150 और -200 क्या हो जाता है वैल्यू, देखो जरा 1/VO = 200 बना देते हैं कॉमन. ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई क्या करते बैठते हो, 200 कॉमन ले लो, ये हो गया 200 कॉमन,
और इसको 200 बनाने का तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, माइनस इसको तो 200 बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा एक, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई है, 3/200, 1/ VO की वैल्यू है, तो VO इज इक्वल टू 200/3 सेंटी वाला मीटर। ओहो, क्या निकालने का अपने को, LD निकालने का ना, LD का आपको फॉर्मूला याद है क्या, अगर बीच में लिख के बताया तो, LD इज इक्वल टू VO प्लस UE, तो दोनों में से एक मिल गया, अब UE निकालना बाकी है। UE के लिए आपको चलना पड़ेगा FE और VE के पास, वो भी मिल जाता है, अरे वाह जी वाह। फॉर आइलेंस 1/FE = 1/VE माइनस 1/UE, वी नो दैट क्वेश्चन में क्या दिया है, VE इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, क्योंकि लेफ्ट साइड को होगा ना, लेफ्ट साइड को होगा, चलो लगा दो 1/FE, अपने को 1/UE निकालना है, तो अपने को 1/UE निकालना है, तो ये आ जाएगा इधर 1/UE = 1/VE माइनस 1/FE, 1/VE की वैल्यू माइनस 25 माइनस 1/FE की वैल्यू 5। अरे अभी थोड़ी देर पहले करे थे ना, ये थोड़ी देर पहले करे थे, अरे बेटे जल्दी वो देख के बोलो क्या है आंसर इसका, माइनस है माइनस 1 माइनस 5/25 है ना, ऐसा ही है, तो माइनस 6, 25/6, UE की वैल्यू क्या आती है, UE इज इक्वल्स टू माइनस 25/6, अभी थोड़ी देर पहले करे थे अपन ने क्वेश्चन में, ये UE मिल गया, यू हो UE मिल गया, क्या करेंगे फिर, LD में लगा दो, LD इक्वल्स टू VO प्लस UE, और दोनों भी साइन के बगैर लेने का, साइन के बगैर, क्योंकि आपको मालूम है ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज है, तो साइन के बगैर लगा दो। VO की वैल्यू 200/3 प्लस UE की वैल्यू 25/6 है ना, कॉमन क्या ले लेते, 6 कॉमन ले लो, इसको 6 बनाने के लिए 2 ऊपर 2 400 हो जाएगा ऊपर में, प्लस आ जाएगा 25, ठीक है, तो ये आ गया 4/25/6, ये है आपका D की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाती है 70% 8 सेंटी वाला मीटर, सेंटी हो जाता है। अपन लेंथ तक तो निकाल चुके हैं, इसके बाद क्या पूछा है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस पूछा है, मैग्नीफिकेशन, अब मैग्नीफिकेशन पूछा है, मैग्नीफाइंग पावर नहीं पूछा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन पूछा है, मैग्नीफाइंग पावर नहीं पूछा, फिर से सुन लो, नहीं तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगा दोगे इसके अंदर, गलती नहीं करना। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, ऐसे बीच में लिख कर दिया था ना मैंने, फॉर्मूला याद है, डेरिवेशन के बीच में आया था, बस ये लगा देना है। अच्छा, इसकी वैल्यूज क्या होती है, देखो इसकी वैल्यू होती है माइनस, क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है हमारी, ये माइनस तो फॉर्मूले का हो गया। MO की वैल्यू क्या होती है, VO/UO, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, वाह वाह वाह, वैल्यूज तो आ गई है, चलो पुट कर देते हैं वैल्यूज और आंसर निकालते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस VO की वैल्यू कहाँ है, VO 200/3 डिवाइडेड बाय UO, क्वेश्चन में देखो 200, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 200 है ना, ओके। अब VE की वैल्यू कितनी है, VE 25 होती है, सॉरी माइनस 25 लिखना उसको, क्योंकि फाइनल इमेज आपकी DDV पे है। और UE कितना है, UE की वैल्यू है माइनस 25/6, देखो क्या हो गया, ये 200 से कैंसिल हो गया, ये 25 से कैंसिल हो गया, 6 ऊपर चलेगा, 3 नीचे आ गया, माइनस माइनस गेट्स प्लस हो गया, 6/3 = 2, तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस इक्वल्स टू 2 times फाइनल आंसर, समझा बात आपको। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के और भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर और नेक्स्ट लेवल पे पॉसिबल है तो मैं इससे भी हार्ड वाले क्वेश्चंस जो है, और जो नीट में आ चुके हैं, इसी लेवल के आते हैं नीट में क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो, लेकिन JEE में इससे हार्ड आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस, JEE वाले क्वेश्चंस जो है उनके लिए एक सेपरेट लेक्चर हम उसके बना देंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे उसके अंदर में JEE लेवल के, वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म्स के ऊपर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।